जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चरण में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। विषय है विविध कार्य साधक तीन टोटका। विभिन्न प्रकार के कार्य साधन हेतु बहुत सुंदर तीन टोटका प्रयोग आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक ही वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिए। ये टोटका उपाय आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। आज का कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए मैं आज का कंटेंट शुरू करता हूँ। तो पहला जो टोटका है वो है वशीकरण, फूल से वशीकरण। बहुत ही पॉपुलर वशीकरण प्रयोग है फूल से वशीकरण। तो फूल से वशीकरण कैसे होगा? फूल से वशीकरण करने के लिए आप लोगों को कोई भी सुगंधित फूल लेके आना है। नीचे एक वीडियो के नीचे विवरण बॉक्स पर एक मंत्र रहेगा, उस मंत्र को पहले आप लोगों को 1008 बार जाप करके सिद्ध करके रखना है। अभी उस मंत्र को सिद्ध करके रखने के बाद अभी उस जो फूल आप ताजा जो फूल लेके आए उस फूल के ऊपर 7 बार उस मंत्र को बोलकर फूंक मारे। मान लीजिए मंत्र है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 7 बार मंत्र के ऊपर फूल के ऊपर फूंक मारे। मारने के बाद इच्छित यानी कि पार्टनर को, जिस व्यक्ति के कामना हेतु ये प्रयोग, व्यक्ति को जाकर उस फूल को दे दीजिए। बस इतना ही काम है, इसको फूल से वशीकरण प्रयोग बोलते हैं। फूल से वशीकरण, सम्मोहन, फूल से बहुत सारा प्रयोग सावर तंत्र में उल्लेख है। तो ये एक छोटा सा फूल से वशीकरण प्रयोग में अप्लाई किया। अगर आपके पार्टनर आपके साथ सामने है, अगर अगर पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये स्त्री पुरुष उभय दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशन में तब भी ये प्रयोग को आप लोग अप्लाई कर सकते। कोई भी बिजनेस क्षेत्र में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने बॉस को भी दे सकते हैं। कारोबार में भी कोई मालिक के साथ कोई कर्मचारी का कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तब भी वहां पे आप लोग दे सकते हैं। ये प्रयोग बहुत ही सुंदर है, शांतिपूर्ण, किसी का कोई नुकसान पहुंचाए बिना आप लोगों का मनोकामना पूर्ण कर देगा। ये गया मेरा पहला प्रयोग। दूसरा जो प्रयोग है मेरा वो है बुद्धि स्मरण शक्ति, ये विकास करने का क्या उपाय है। इसका भी बहुत सारा मैसेज आता है, दिन भर में फोन लगा कर भी बोला जाता है, गुरु जी बच्चे लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे लोग पढ़ना नहीं चाहते, इसके लिए कुछ टोटका उपाय बताइए। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एक आसान उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। हर जगह में हर क्षेत्र में वो पत्थर मिल जाएगा, उस पत्थर का नाम है हकीक। वो पत्थर विभिन्न प्रकार के कलर में आएगा। अगर पत्थर नहीं जानते, नहीं पहचान पाते तो पत्थर को गूगल को सर्च मारिए, गूगल में सर्च मारिए हकीक बोलकर, गूगल को सर्च मारिए, आ जाएगा हकीक पत्थर कैसे दिखता है। बहुत ही सस्ता पत्थर है वो पत्थर, कम से कम 16 से 17 रती का पत्थर, कम से कम इतना होना चाहिए उसका वजन, 16 से 17 रती का पत्थर आप लोग लेके आइए। पुरुष है तो दाएं बाहू में, महिला है तो बाएं बाहू में इसको धारण कीजिए। बच्चे बूढ़े कोई भी इस पत्थर को पहन सकते, इससे स्मरण शक्ति का वृद्धि होता है। वाक शक्ति, अगर कोई हकलाता है तो उसका वाक जो शक्ति है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बुद्धि का विकास होता है इससे, शरीर में तेज उत्पन्न होता है, जो स्किन है स्किन भी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाए। लेके आइए, तांबे से इस पत्थर को बनाइए। तांबे से इस पत्थर को बनाने के बाद आप बाहू में धारण कीजिए, या अगर आप लोगों को उंगली में धारण करना है तो अनामिका उंगली, छोटे उंगली के बगल में जो उंगली होता है उसको अनामिका उंगली बोलते हैं। अनामिका उंगली में ही उसको धारण कीजिए। स्त्री होगा तो बाएं हाथ में, पुरुष होगा तो दाएं हाथ में इस पत्थर का धारण कीजिए। ये गया मेरा दूसरा। धन संपत्ति को वृद्धि करने के लिए एक बहुत ही सुंदर टोटका प्रयोग। धन संपत्ति को वृद्धि करने के लिए अगर आपके पास धन है तब भी इस प्रयोग को अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रयोग करने के लिए कोई भी शुभ तिथि में आप लोग जाइए, अशोक, जो बांग्ला में अशोक बोलते, शायद हिंदी में भी अशोक ही बोलेंगे, उस पेड़ का नाम है अशोक। उस पेड़ का एक जड़ लेके आइए, उसको धोकर पूजा स्थान में रख दीजिए। रोज उस जड़ को, जैसे भगवान का धूप दीप दिखाते हैं, रोज उस जड़ को धूप और दीप दिखाइए, आपके घर में लक्ष्मी स्थिर और स्थायी रूप से निवास करने लग जाएगा। कोई भी नेगेटिव शक्ति है अगर आपके घर में, उस जड़ को घर में लाते ही नेगेटिव शक्ति तुरंत भाग जाएगा, इतना शक्तिशाली चमत्कारी वो जड़ है। अशोक उस जड़ का नाम है, गूगल में सर्च करके देख लीजिए, उस पेड़ के बारे में आप लोगों को दिखाई देगा। लेके आइए और अनुष्ठान कीजिए। ये तीन टोटका आप लोगों के लिए बताया, तीन अलग अलग कैटेगरी में ये टोटका है। आप अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को पसंद आए आप लोग इस टोटका को अप्लाई कीजिए, आप लोगों को जरूर लाभ पहुंचेगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आज का अनुष्ठान अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरिओम तत्सत।